आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पर्यटन में निवेश पर अब 1.5 करोड़ तक सब्सिडी। धामिया कैबिनेट ने उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी दी है। इसके तहत उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। योजना में जहां स्टाम्प ड्यूटी 100% माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है, वहीं सालाना ब्याज पर भी 6 लाख तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। 70% स्थानीय लोगों को रोजगार की शर्त। कैबिनेट के प्रमुख फैसले तो नगर पालिका परिषद रामनगर की सीमा का होगा विस्तार। उत्तराखंड भूतल एवं खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी। उत्तराखंड के हर जिले में खुलेंगे वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह। हरिद्वार की भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाने पर लगी मुहर। यूकास्ट में होगी भर्ती, पदों को अनफ्रीज किए जाने का फैसला। कोटद्वार में नए केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि का निःशुल्क आवंटन। ओबीसी ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति योजना में केंद्र सरकार के निर्देश लागू। पुलिस इंस्पेक्टरों के सभी संवर्गों को अब प्रमोशन में मिलेगा समान मौका। राज्य सरकार 20 तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम दे। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अगले मंगलवार यानी 20 अगस्त तक निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने को कहा है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर इसकी सूचना भी कोर्ट को देने के निर्देश दिए हैं। बाबा रामदेव के खिलाफ अवमानना का मामला बंद। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड संस्थापक स्वामी रामदेव प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी। विरोध कांग्रेस अडानी मुद्दे पर 22 को प्रदर्शन करेगी। तो अडानी को लेकर के हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा किए गए खुलासों के बाद विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने सेबी प्रमुख के इस्तीफे एवं जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग को लेकर 22 अगस्त को पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। मैं देशवासियों से न्याय चाहती हूं। तो शेख हसीना, तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का देश छोड़ने के बाद मंगलवार को पहली बार बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर मेरे पिता शेख मुजीबुर रहमान और शहीदों का घोर अपमान हुआ। मैं देशवासियों से न्याय चाहती हूं। रामपुर तिराहा कांड में एक आरोपी की शिनाख्त हुई। डिजिटल भुगतान के लिए 2 सत्यापन जरूरी है। विनेश की अपील पर अब 16 को आएगा फैसला। तो पहलवान विनेश फोगाट को 100 ग्राम बढ़े वजन के कारण पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराने के मामले में अपील पर फैसले का इंतजार और बढ़ गया है। सीबीआई ने संभाली जूनियर डॉक्टर हड़ताल की हत्या की जांच। हड़ताल समाप्त। तो पश्चिम बंगाल में आरजी आकर मेडिकल कॉलेज की महिला प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या मामले की जांच कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी है। सीबीआई ने मंगलवार शाम ही जांच अपने हाथ में ले ली। सीबीआई की एक टीम फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ बुधवार को दिल्ली से कोलकाता भी पहुंच रही है। बद्रीनाथ से लौट रही महिलाओं को टैंकर ने कुचला, 2 की मौत। तो बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा से लौट रही महाराष्ट्र की महिला श्रद्धालुओं को एक अनियंत्रित टैंकर ने कुचल दिया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को बेस अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसा बद्रीनाथ हाईवे पर श्रीकोट गंगानानी में हुआ। दिल्ली दून हाईवे पर हादसे में जिंदा जल गया सिपाही दंपति। तो दिल्ली देहरादून हाईवे पर नई मंडी थाना क्षेत्र के बिलासपुर कट के पास खड़ा सिपाही दंपति मंगलवार सुबह अनियंत्रित 18 टायरा ट्रक की चपेट में आ गया। पलटे ट्रक के नीचे दबने और आग में जलने से दंपति सहारनपुर के सरवासा
सरसावा क्षेत्र निवासी सिपाही सुधीर मुरादाबाद के कटघर और उनकी पत्नी सिपाही सोनिया की मौत हो गई। सोनिया नागफनी थाने में तैनात थी। दून में निकली तिरंगा यात्रा। 5 करोड़ से कम की पर्यटन परियोजनाओं पर मिलेगी 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी। निकाय चुनाव का कार्यक्रम बताए सरकार। प्रदेश में 2 नए नगर निगम बनेंगे, 2 पालिकाओं का क्षेत्र भी बदलेगा। अब दोगुना रॉयल्टी जमा कर मामले का करा सकेंगे निस्तारण। फील्ड सहायक व मास्टर ट्रेनर के 9 अस्थायी पद होंगे सृजित। नए जेल एक्ट को मंजूरी, रद्द होंगे 3 पुराने कानून। राज्य में तैनात सैनिक और सैनिकों के बच्चे दरोगा भर्ती के होंगे पात्र। मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की छात्र छात्राओं को मिलेगा वजीफा। आड़त बाजार शिफ्टिंग में मुआवजे का अड़ंगा दूर हुआ। रैली निकाल, लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया। शहर में कहीं भारी वर्षा से जलभराव, कहीं बूंदाबांदी, तो दून में मानसून की वर्षा का दौर जारी है। कहीं भारी वर्षा से जलभराव हुआ तो कहीं सिर्फ बूंदाबांदी हुई। मंगलवार को शहर में सुबह से आंशिक बादल मंडराते रहे, इस बीच हल्की धूप भी खिली। हालांकि दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए और शहर के ज़्यादातर हिस्सों में अंधेरा पसर गया। करीब 2:30 बजे प्रिंस चौक से लेकर घंटाघर और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम वर्षा हुई। इसके अलावा मालसी, सहधारा रोड, जाखन, राजपुर, केनाल रोड और रायपुर क्षेत्र में भी करीब 1.5 घंटे भारी वर्षा हुई। आज बौछार के आसार, तो बादल मंडराने के साथ मानसून की वर्षा का क्रम जारी है। कहीं कहीं तीव्र वर्षा के दौर हो रहे हैं। हालांकि कुछ जिलों में आंशिक बादलों के बीच धूप भी खिलने लगी है। आज प्रदेश में कहीं कहीं आंशिक बादलों के बीच बौछार पड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और बागेश्वर के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तीव्र वर्षा और कहीं भारी वर्षा के दौर हो सकते हैं। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दून अस्पताल में बनेगा इमरजेंसी एग्जिट गेट। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का इंतजार खत्म, तो 21 से 29 अगस्त के बीच होगा नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग का प्रथम चरण। तो राज्य के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में दाखिले का इंतजार खत्म हो गया है। उत्तराखंड HNB चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मदन लाल ब्रह्मभट्ट की अध्यक्षता में हुई काउंसलिंग बोर्ड की बैठक में स्टेट काउंसलिंग के कार्यक्रम पर मुहर लग गई है। काउंसलिंग 4 चरण में कराई जाएगी। कोलकाता की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। LT परीक्षा में अति संवेदनशील केंद्रों पर कैमरे से नज़र रखेगा आयोग। तो सहायक अध्यापक LT की प्रवेश परीक्षा के में उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग UK 3+C अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर लाइव कैमरे से निगरानी करेगा। आयोग ने नकल और पेपर लीक जैसे मामलों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं में एक एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया है। अधिकारी या टीम के सहयोग से परीक्षा केंद्रों के आसपास की गोपनीयता सूचनाएं एकत्र करेंगे और हर गतिविधि पर नज़र रखेंगे। 18 अगस्त को 11 बजे से 1 बजे के बीच होने वाली परीक्षा के सुरक्षा मानकों की आयोग में हर रोज समीक्षा की जा रही है। आयोग LT के 1544 रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहा है। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन 22 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक लिए थे। परीक्षा 18 अगस्त को 11 से या दोपहर 1 बजे तक होगी। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट SSC.UK.GOV.IN से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 153 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 51,500 ने आवेदन किया है। सबसे अधिक देहरादून में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने LT की परीक्षा में सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए हैं। पूर्व में हुई परीक्षाओं के रिकॉर्ड के आधार पर संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर कड़ी नज़र रहेगी। कुछ परीक्षा केंद्रों का लाइव प्रसारण आयोग मुख्यालय में रहेगा। परीक्षा केंद्र पर जैमर, बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित होंगे। प्रशासन के सहयोग से परीक्षा कड़े सुरक्षा मानकों के साथ होगी। दुर्गम क्षेत्रों
में सड़कें बंद, सीएम से परीक्षा तिथि बदलने का आग्रह। एलटी परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर प्रदेश के दूरदराज के जनपदों में भारी वर्षा और अतिवृष्टि के कारण बंद संपर्क मार्ग का मामला उठाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा तिथि 18-19 अगस्त को भी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में जो सड़कें खुल भी रही हैं वह दोबारा भारी वर्षा होने से रात के समय बंद हो जा रही हैं। संपर्क मार्ग ही नहीं नेशनल हाईवे भी बार बार अवरुद्ध हो रहे हैं। अभ्यर्थी आशीष नेगी ने बताया कि वह सोनप्रयाग का रहने वाला है और परीक्षा केंद्र रुद्रप्रयाग से 10 किलोमीटर आगे रतुड़ा इंटर कॉलेज में है। पूरे क्षेत्र की सड़कें जगह जगह अवरुद्ध हैं। इसी प्रकार नैनीताल के विक्रम सिंह, उत्तरकाशी के दौलत राम जोगत, जोशीमठ के शिखा रावत, पिथौरागढ़ के पुनीत पंत ने अपने अपने दुर्गम क्षेत्रों में एलटी परीक्षा केंद्र पहुँचने में आने वाली दिक्कतें और मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए 18 अगस्त की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने विधि पाठ्यक्रम की फीस, बड़ी फीस वापस ली। विश्वविद्यालय कुल सचिवों के तबादले आदेश पर लगी रोक स्थगित। तो सचिव उच्च शिक्षा को दिए निर्देश, 3 हफ्ते के भीतर नया तबादला आदेश जारी करें। जोशीमठ भूधसाव मामले में सरकार को दी मोहलत। परीक्षा का परिणाम आज जारी होगा। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा फल सुधार परीक्षा 2024 एवं 2023 तृतीय का परिणाम अब 14 अगस्त बुधवार को घोषित होगा। डूमक के आंदोलनकारियों से वार्ता विफल रही। हिंदुओं की रक्षा के लिए बद्री केदार में विशेष पूजा हुई। समीक्षा केंद्र आए शिक्षकों के स्थान पर होगी नियुक्ति। प्रदेश भर में 692 प्रवक्ता जल्द बनेंगे प्रधानाध्यापक। तो 29 सितंबर से होने जा रही प्रधानाचार्य पद के लिए परीक्षा। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात 692 प्रवक्ता प्रधानाचार्य बनेंगे। इसके लिए सितंबर माह में लोक सेवा आयोग परीक्षा कराने जा रहा है। लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अवधेश कुमार ने बताया कि परीक्षा कराने को लेकर आयोग तेजी से कार्य कर रहा है। अभी 29 सितंबर परीक्षा के लिए प्रस्तावित तिथि तय की गई है। परीक्षा कहाँ पर होगी, कितने बजे से होगी, इसको लेकर अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाएगा। 1900 प्रवक्ताओं ने 692 सीट के लिए आवेदन किया है। एक पद के लिए 3 प्रवक्ता हैं दावेदार। कोटाबाग नवोदय में 2 महिला पीआरडी तैनात हुए। अफवाह फैलाने वाले पोस्टों पर नज़र रखें। निदेशक के साथ अतिथि शिक्षकों की वार्ता विफल। तो आंदोलन वापस लेने से इनकार, नारेबाजी के साथ प्रदर्शन। तो मानदेय बढ़ोतरी और एलटी प्रवक्ता के रिक्त पदों को आरक्षित करने के लिए आंदोलित अतिथि शिक्षकों की मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ वार्ता विफल हो गई। अतिथि शिक्षकों ने कल दोपहर तक शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव से वार्ता का इंतजार करने का निर्णय किया है। यदि कल ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। 2 अगस्त से अतिथि शिक्षक नरूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय परिसर में धरना दे रहे हैं। तब से वो एक बार सचिवालय कूच और एक बार मुख्यमंत्री आवास कूच भी कर चुके हैं। 9 जुलाई को सचिवालय कूच के दौरान शिक्षा महानिदेशक वंशधर तिवारी ने अतिथि शिक्षकों की शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से वार्ता कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन शिक्षा मंत्री के दून से बाहर होने की वजह से वार्ता का समय तय नहीं हो पा रहा है। मंगलवार दोपहर माध्यमिक शिक्षा निदेशक अजय नोडियाल व संयुक्त निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने निदेशालय में अतिथि शिक्षकों से वार्ता की। नोडियाल और सती ने कहा कि अतिथि शिक्षकों की मांगों पर कार्रवाई जारी है। मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त विभाग के विचाराधीन है, बाकी मांगों पर कार्रवाई जारी है। इसलिए अतिथि शिक्षक शिक्षा एवं छात्र हित में आंदोलन को वापस लेते हुए अपने तैनाती स्थल पर तत्काल ज्वाइन करें। उन्होंने बुधवार को उनकी शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता कराने का आश्वासन भी दिया। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने असहमति जताते हुए आंदोलन को वापस लेने से दो टूक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हर बार अतिथि शिक्षक छले जा रहे हैं, इस बार लड़ाई आर पार की है। यदि मांग नहीं मानी जाती
तो अच्छी शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो NHM में 1056 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। महाप्रबंधक उप महाप्रबंधक के 213 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 31 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड संयुक्त इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में 863 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 76 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 18 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उप निरीक्षक सीधी भर्ती में कांस्टेबलों को छूट मिलेगी, जेल में बंदी की मौत पर मिलेगा 5 लाख तक का मुआवजा। कुमाऊं में अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ पालिका बनेगी नगर निगम। कैबिनेट ने प्रदेश के 300 से अधिक उद्यमियों को दी राहत। प्रदेश में जेल एक्ट को दी कैबिनेट ने मंजूरी। कोटद्वार में केवी की स्थापना का रास्ता साफ हुआ। डीडी हाट में छात्र संख्या शून्य होने से 8 विद्यालय बंद हो गए। चाची की हत्या करने वाला भतीजा गिरफ्तार हुआ। तबादले में गड़बड़ी से वर्षों से दुर्गम में हैं कई कर्मचारी। टोंस नदी चेतावनी निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बही। इसी साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है, इसमें उप निरीक्षक नागरिक सुरक्षा, नागरिक पुलिस अभिसूचना, गुल नायक PAC IRB एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा को लेकर ये जारी किया है। इसमें बताया गया है कि प्रश्नगत परीक्षा हेतु शारीरिक नापजोख एवं दक्षता परीक्षा का आयोजन 2 सितंबर से पुलिस विभाग द्वारा किया जाना है। उक्त परीक्षा के में औपबंधिक रूप से अर्य अभ्यर्थी दिनांक 23 अगस्त से आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सोर में तिरंगा यात्रा से दिया देशभक्ति का संदेश। लोहाघाट में हिमवीरों ने तिरंगा रैली निकाली। 150 लोगों को नशा मुक्ति हस्ताक्षर अभियान से जोड़ा। जागेश्वर के बाद सुंदर लाइटिंग से जगमगाया दंडेश्वर महादेव। बागेश्वर की दया करेगी प्रधानमंत्री से मुलाकात। डाकघर में आई तकनीकी खराबी, लोग परेशान हुए। कोतवाली से लेकर चौकियों तक से शिकायत पेटियां गायब हुई। कुसुम के भाई के आरोपों से हत्याकांड में नया मोड़। तो बरेली से मोर्चरी पहुंचे कुसुम के भाई ने बहन की हत्या को बताया साजिश। शादीशुदा भाइयों का पक्ष लेने पर ली चाची की जान। भवाली में कैंटर का ब्रेक फेल, अफरा तफरी मची। तिरंगा रैली से देश में एकता को मिलेगा बढ़ावा। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। पछुआ दून में जोनसार तक जगह जगह तिरंगा यात्रा। खुलासा, आत्महत्या नहीं गला काटकर की गई हत्या। तो कालसी के भराया गांव में घर में गला कटने से हुई मौत के मामले की तस्वीर कुछ हद तक साफ हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि हृदय प्रकाश की या किसी ने हत्या की है या आत्महत्या का मामला नहीं है। पुलिस का कहना है कि 1-2 दिन में इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया जाएगा। जोनसार की एक ही सड़कों पर बाधित रहा यातायात। जाम से खुला रह गया फाटक और आ गई ट्रेन, बाल बाल बचा हादसा। तो माता मंदिर रोड स्थित अजबपुर रेलवे फाटक पर मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भारी जाम के चलते गेट मैन फाटक बंद नहीं कर पाया, लिहाजा दून से हरिद्वार जा रही ट्रेन की गति आनन फानन में कम करवाई गई। जैसे तैसे दोनों ओर गाड़ियों को पटरी से पीछे करवाकर ट्रेन को पास करवाया गया। हालांकि रेलवे अफसर चाबी फंसने की वजह बता रहे हैं। शटर बंद करते वक्त करंट से पेंट कारोबारी की मौत, देहरादून से खबर आई है। दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोप कोर्ट में नहीं टिके, आरोपी बरी हुआ। लिविन में रही महिला से बच्ची जन्मी बच्ची को बेच दिया।
तो शर्मनाक तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक महिला से जन्मी बच्ची को उसकी भाभी ने दिल्ली के एक परिवार को भेज दिया। इस मामले में पीड़िता ने शिकायत की, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। दोपहिया बेचने के नाम पर हड़प लिए 90,000 रुपये। निकायों में ओबीसी आरक्षण बनाने का रास्ता साफ हुआ। डिप्लोमा इंजीनियरों को हड़ताल अवधि का अवकाश मिलेगा। गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करने के लिए पेंशनर ने बनाया दबाव। उत्तराखंड में 27 अस्पताल आयुष्मान से बाहर हैं। बाजपुर में भाजपा कांग्रेस पर भड़के किसान। घायल वन आरक्षी की इलाज के दौरान मौत हो गई तो शांतिपुर से खबर है। काशीपुर में कवि सम्मेलन 17 को होगा। टनकपुर ने अशोक नगर को 6-1 से हराया। रक्षाबंधन पर बढ़ेंगे बसों के फेरे। नैनीताल में एक्सपायरी या दवा बेचने पर नोटिस भेजा। सीज वाहनों का रखरखाव देख सीओ ने फटकारा। आरोपी को पंजाब से लाने पहुंची पुलिस बेरंग लौटी। दमाडुंगा क्षेत्र में चोरियों से घुसाए लोगों ने चौकी घेरी। काठगोदाम में 7 घंटे बिजली कटौती ने रुलाया। भगवानपुर मंडी का उच्चीकरण किया, प्रधान मंडी बनाई जाएगी। चौराहों पर सीसीटीवी लगाने की मांग की गई। शिक्षा निदेशक से अतिथि शिक्षकों की वार्ता विफल रही। विवाहिता ने ससुरालियों पर दर्ज कराया मुकदमा। बंगापानी में अतिवृष्टि से खेत बहे, लोग सहमे। भूस्खलन से 16 कमरों का घर ढहा तो जखोली से खबर है। गंगोली हाट में नाबालिग से दुराचार में 3 गिरफ्तार हो गए। अफवाह फैलाने वाले पोस्टों पर नजर रखें। पीआरडी जवानों को आपदा ड्यूटी में अतिरिक्त मानदेय, तो पीआरडी जवानों को आपदा ड्यूटी में 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। जागेश्वर के बाल लाइटिंग से जगमगाए डंडेश्वर महादेव। दून के 7 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों के वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हुई। नकली चांदी पे 26 लाख का सोना ले जाने वाले धरे गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध किया। विश्वविद्यालय की चुनौतियों का सामना कर उपलब्धियों को करेंगे हासिल। कर्मी अनशन पर डटी रही विद्यालय प्रबंधन समिति, तो द्वारा हाट से खबर आई है। तो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज की मूलभूत समस्याओं को लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति के बैनर तले दूसरे दिन मंगलवार को भी कर्मी अनशन जारी रहा। अल्मोड़ा में अब मेयर पद के लिए बिछेगी चुनावी बिसात। कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी पर नैनीताल से दून तक आक्रोश। जोशीमठ भू दशाव मामले में सरकार को दी मोहलत। कुल सचिवों के स्थानांतरण आदेश पर लगी रोक स्थगित। नीट यूजी मेडिकल कॉलेजों को 21 से होगी काउंसलिंग। छेड़छाड़ दुष्कर्म में 1 आरोपी की हुई शिनाख्त। कनखल में छात्राओं ने निकाली रैली। छात्राओं ने नशा नहीं करने का संकल्प लिया। वहीं खबर है, हरिद्वार से कमरे में बंद गुलदार रोशनदान से भागा, तो गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग और पार्क की टीम ने लगाया पिंजरा। हरिद्वार से खबर है, हरिद्वार के 3 युवकों को हरियाणा में बंधक बनाया तो बदमाशों के चंगुल से छूटकर किसी तरह भाग निकले। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए बदमाश को जेल भेजा। चंपावत कैंपस में शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया। प्रधानाचार्य को नवोदय के कार्यभार से मुक्त किया। टनकपुर में राखी पर पड़ी महंगाई की मार। रुद्रपुर जिले के बांगरपट्टी में भूस्खलन से मकान जमींदोज हो गया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच हाईवे जल्द खोलें। रुद्रप्रयाग से घायल यात्री को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। शिक्षकों ने आपदा प्रभावित को बांटी राहत सामग्री। रुद्रपुर की बहनें बरामद, अपहरणकर्ता भी धरे, तो एक बहन बालिग, दूसरी नाबालिग, दोनों बहनों का अपहरण कर कश्मीर में एक ईंट भट्टे पर ले गए, बाद में राजस्थान भागे। डीएम ने जिले की 9 शराब की दुकानों को किया बंद। श्रीनगर में डॉक्टरों का कैंडल मार्च। शिक्षकों की निदेशक के साथ वार्ता विफल हुई। कोलकाता कांड पर दून में डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार।
हर मेडिकल कॉलेज में दबीची दीवार बनेगी। वह एक बार पिथौरागढ़ से बंगा पानी की टांगा बिंदी गांव में अतिवृष्टि से खेत बहे, मलवा हटा रही जेसीबी का तेल खत्म, दिक्कत हुई। बेरीनाग में आजीविका बना लिंगुड़ा, डुमक के आंदोलनकारियों की उप जिलाधिकारी से वार्ता रही विफल, तो ग्रामीणों का क्रमिक अनशन जारी, 19 से जिला मुख्यालय में अनशन की चेतावनी दी। पौड़ी की महिला गंगा में कूदी, नाबालिग को भगाने के आरोपी पिता पुत्र पकड़े गए, रुद्रप्रयाग के सीओ होंगे सेवा पदक से सम्मानित। जोशीमठ मामले में सरकार को 2 हफ्ते की मोहलत दी, हिंदुओं की रक्षा को बद्री केदार में विशेष पूजा की। पिथौरागढ़ कैंपस में हॉस्टल की शुल्क वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया, गंगोली हाट में नाबालिग से दुराचार 3 गिरफ्तार, तो गंगोली हाट क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी से 2 साल से दुराचार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मंगलवार को पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। 15 अगस्त तक 4,500 पौधों का होगा रोपण। खतरेड़ा में सिलेंडर में लगी आग से 3 लोग झुलसे। वहीं खबर है टनकपुर से, मनिहार गोट में बंद घर का ताला तोड़ा, लाखों की चोरी की। कालाडूंगी के साथ साथ ग्राम पंचायतों का दायरा बढ़ा। बोर्ड का सुधार परीक्षा परिणाम आज घोषित होगा। परेड ग्राउंड के चारों ओर कल 0 ट्रैफिक जोन, तो देहरादून में स्वतंत्रता दिवस पर परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने मंगलवार को यातायात प्लान जारी किया है। अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर नजर रखेगी पुलिस। भारत माँ के जयकारों संघ निकाली तिरंगा यात्रा। उत्तरांचल विश्वविद्यालय में नया सत्र शुरू हुआ। फायर एनओसी नहीं होने पर 27 अस्पतालों पर गाज इलाज पर रोक लगाया। कांग्रेस प्रभारी के सामने फूटा पार्टी के विधायकों का गुस्सा। राज्य सरकार को निकाय चुनाव का कार्यक्रम पेश करने के निर्देश दिए। गरीबों के आशियानों का रास्ता साफ, प्राधिकरण ने शासनादेश स्वीकारा, तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 109वीं बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। दून समेत 5 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। माल रोड की स्ट्रीट लाइटें ठीक की। करंट लगने से पेंट कारोबारी की मौत हो गई। ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र स्थित रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत हो गई। राज्य स्तरीय शूटिंग स्पर्धा में जीते 56 पदक। लगी आग तो अस्पताल प्रशासन गया जाग। 26 लाख रुपए का सोना ठगने वाले 4 गिरफ्तार हुए। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी दुकानदार बरी हुआ। प्रदेश में MBBS की 670 सीटों के लिए आज से शुरू होगी काउंसलिंग। बद्रीनाथ हाईवे पर कहीं पेड़ तो कहीं पहाड़ी से गिर रहे भारी बोल्डर। फूलों की घाटी मार्ग पर हुआ भूस्खलन, 2 पर्यटक घायल हो गए। नाबालिग को भगाने के आरोप में पिता पुत्र गिरफ्तार, तो लमगांव टीरी से खबर आई है। रुद्रनाथ जा रहा श्रद्धालु खाई में गिरा, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। गढ़वाल विश्वविद्यालय UG में प्रवेश की प्रक्रिया 2 दिन से ठप है। दूध मक्खन की होली खेल कर जताते हैं प्रकृति का आभार, तो बटर फेस्टिवल 16 अगस्त को। 4 स्कूलों के निर्माण के लिए 60 लाख स्वीकृत हुए। उत्तरकाशी में बनी गंगा डॉल राखियों की गुजरात तक धूम। सड़क के मलबे से नंद केसरी गांव को खतरा, पेयजल लाइन टूटी। भूपतवाला क्षेत्र में घुसा गुलदार, लोगों में दहशत। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, केस दर्ज किया, तो बैदराबाद से खबर आई। धर्मनगरी में गुजे भारत माता के जयकारे। हरियाणा में 3 युवकों को अगवा कर वसूली रंगदारी की। गौरव बोला निष्पक्ष नहीं थी चाची इसलिए मार डाला। जूता कारोबारी ग्राहक में हाथापाई हुई।
भूस्खलन से या गिरते पत्थरों से ग्रामीण परेशान, आजीविका भी प्रभावित, तो नैनीताल से खबर आई है। आज निकलेगी अमर उजाला तिरंगा यात्रा। शिक्षिका अवकाश पर चार दिन से पढ़ाई ठप, तो कोटाबाग से खबर आई है। केंद्र की योजनाओं का मिलेगा लाभ, अधिक संख्या में तैनात होंगे कर्मचारी, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। सरयू गोमती पुल की सुधरेगी सेहत, सड़कें होंगी चकाचक। विश्वविद्यालय की नींव है शिक्षक कर्मी। कुष्ठ रोगियों का पता लगाने के लिए अल्मोड़ा में चलेगा अभियान। पिथौरागढ़ में एक दो नहीं 47 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है।